आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर अनीस अहमद आज के इस इंटरनेशनल जाट संसद में भाग लेने के लिए कुवैत से आया हूँ। भारत में मैं उस कर्म भूमि से मेरा संबंध है जिसने हिंदुस्तान को पहला जाट प्रधानमंत्री दिया, जिला बागपत। मेरा उस विद्यालय से संबंध है जिसका नाम है सैनिक स्कूल विद्यालय, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, राजस्थान, जिसने भारतवर्ष को पहला जाट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिया, जनरल दलबीर सिंह सुहाग। मैं जाट हूं, मेरा गोत्र चौहान लाकड़ा है और मुझे इस बात पर गर्व है। मैं कहां पैदा हुआ उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ या हिंदू के घर में पैदा हुआ या सिख के घर में पैदा हुआ, उसमें मेरी कोई मर्जी नहीं है और ना आप लोगों की मर्जी है। किसी की मर्जी से हम पैदा नहीं होते। कहां पैदा हो गए हमारी मर्जी उसमें शामिल नहीं है। मैं एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मैं एक मुसलमान जाट हूं, लेकिन मैं जाट पहले हूं और मुसलमान बाद। जाट जाट ही रहता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके बस जाए, वो जाट जाट ही रहेगा। और मैं भी जाट हूं, कुवैत में रहता हूं लेकिन जाट हूं। शिक्षा के क्षेत्र से मेरा संबंध है। वहां एक ग्रुप है, पैराडाइम पायनियर्स ग्रुप, जो पूरे जीसीसी कंट्रीज में है, और उसका जो शिक्षा विभाग है मैं उसका हेड हूं एज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, पैराडाइम पायनियर्स ग्रुप। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मेरा जो गांव है, पैतृक गांव, वो असारा है, जिला बागपत में, और पहले तहसील छपरौली हुआ करता था, अब तहसील बड़ौत है। वहां हम 2006 से एक स्कूल चला रहे हैं जो कि चैरिटेबल स्कूल है, जिसमें कोई फीस हम नहीं लेते, ना के बराबर फीस लेते हैं, चूंकि चंदे की एजुकेशन में मैं विश्वास नहीं करता। मकसद ये स्कूल खोलने का ये था कि जो बच्चे मदरसों में अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको उन मदरसों से निकालकर स्कूल्स में लाया जाए। बच्चे अगर हमारे खराब हो रहे हैं, अगर उनका आज का वर्तमान और भविष्य खराब हो रहा है, तो हमारी जेनरेशन खराब हो रही है। इसलिए हमने कोशिश की कि हम अपने गांव में एक ऐसा स्कूल बनाएं जहां बच्चे मदरसों से निकल करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में आएं और अपना भविष्य बनाएं। वहां उसके अलावा एक और नया स्कूल जिसका नाम हमने इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ स्कॉलर्स रखा है, जिसको अगर ब्रीफ में कर दिया जाए तो IAS हो जाता है। उसका नाम हमने IAS इसलिए रखा कि हमारे बच्चे, वो स्कूल असारा गांव के लिए नहीं है, पूरे क्षेत्र के लिए है। उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, पहले दिन से उनके दिमाग में हमको ये डालना है कि IAS क्या होता है। हमने उन्हें IAS बनाना है, हमने उनको सिविल सर्विसेज में भेजना है, हमने उनको व्हाइट कॉलर जॉब्स में भेजना है। अगर उसने बिजनेस भी करना है तो दुकान नहीं खोलनी, उसने बिजनेस करना है, MBA करना है, MBA करके CEO बनना है, कोई कंपनी खोलनी है। ये हमारा उद्देश्य है। हम सब, जैसा कि मैंने कहा कि जाट तो जाट ही रहता है, वो चाहे कहीं भी हो, प्यार मोहब्बत, ये दुनिया जो है आज की तारीख में, इस दुनिया में नफरत की आखिरी स्टेज पर है ये दुनिया। और अगर इस दुनिया को हमें जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ हम इस दुनिया को मोहब्बत से जीत सकते हैं। आओ हम सब मिलकर मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, नफरतों से दूर रहें। हम सबको एक रहना है, एक रह के काम करना है। मैं चूंकि बहुत लोग हैं बोलने वाले, वक्ता बहुत सारे हैं, तो मैं अपना समय बहुत कम लूंगा और अपनी बात को एक उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर के एक शेर से मैं ख़त्म करना चाहूँगा और अपना स्थान ग्रहण करूँगा। वो शेर है, अगर समझ में ना आए तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, अगर आप एक हैं, यूनाइटेड हैं, तो आप पूरे चमन का, पूरे देश का आप निजाम बदल सकते हैं। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन।
गुलशन मुंतशिर हो, मुंतशिर कहते हैं अलग अलग हो जाना, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। यह हमने देख लिया था हरियाणा में, क्योंकि हम सब अलग अलग हो गए थे, तो जो जिस राज्य पर हम हुकूमत करते थे वो राज्य भी हमारे हाथ से निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि हम अलग अलग हो गए, मुंतशिर हो गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इकट्ठे हो जाओ, बी यूनाइटेड। और सिर्फ जैसा कि मलिक साहब ने भी, आदरणीय गवर्नर साहब ने हमको कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र में काम करना है, और वो है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा एक ऐसा जेवर है जिसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेट अस ऑल वर्क टुगेदर फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कम्युनिटी। जय हिंद, जय भारत, जय जाट।